ये जो मेरे हाथ में चीज़ है ना, ये बहुत ही काम की चीज़ है। ये आपको हेल्थ बेनिफिट्स देगा, बहुत सारी बीमारियों को दूर रखेगा, चिंताओं को दूर रखेगा और साथ ही आपके परिवार को जोड़ कर रखेगा। अगर आपके घर में बहुत लड़ाई झगड़ा रहता है, घर में अशांति रहती है, तो आप इसका इस्तेमाल करो। कैसे इस्तेमाल करना है आज के वीडियो में आपको बताऊंगी, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी दोस्त श्रुति गुप्ता और आज आप सोच रहे होंगे श्रुति जमीन में क्यों बैठी है, क्योंकि श्रुति आज करने वाली है बहुत ही काम की बात। जी हाँ, आज मैं आप लोग के साथ एक ऐसा उपाय शेयर करने वाली हूँ, सर्दियों के टाइम में ये आपके लिए बहुत काम का होने वाला है, आपके परिवार के लिए बहुत काम का होने वाला है। साथ ही आपके परिवार में जो आपसी लड़ाई झगड़ा अगर रहता है, अगर आपका पति आपसे ढंग से बात नहीं करता है, शाम को दूसरी करवट सर करके सो जाता है, दूसरी तरफ मुँह करके सो जाता है, आपके बच्चे आपके मन अपने मन की बात आपसे नहीं बताते, आप लोग में अगर आपस में प्रेम नहीं है, आपस में आप बैठ के बातें नहीं कर सकते हो, तो ये नुस्खा भी ट्राई करना। ये आपके परिवार को जोड़ के रखेगा और साथ ही आपके परिवार की सेहत का भी ख्याल रखेगा। यानी एक तीर से दो निशाने आप लगाने वाले हो अगर आप ये नुस्खा ट्राई करते हो। और आपको बता दें, क्योंकि सर्दियों का सीजन स्टार्ट हो गया है, इस सीजन में ना जो दिवाली के आसपास का समय होता है ना, अगर आपने अपनी सेहत के पर थोड़ी सी लापरवाही कर दी ना, तो भैया बीमारी जो है वो आपको हक करने वाली है, आपको पकड़ लेने वाली है। तो बीमारी आपको ना पकड़े इसलिए भी आप ये नुस्खा ज़रूर ट्राई करें। और ये इसके लिए आपको कुछ पैसे नहीं खर्च करने, आपको बहुत लंबा खर्चा नहीं है, शायद इसमें एक भी रुपये का खर्चा नहीं है, क्योंकि जो सामान मैं यूज करने को कह रही हूँ, इस्तेमाल करने को कह रही हूँ, वो आपकी किचन में ही है। जी हाँ, इसे तो आप पहचानते होंगे, ये है सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल। इसका इस्तेमाल करना है और पूरी बोतल का नहीं करना है, केवल आधा चम्मच या उससे कम आपको सरसों का तेल लगने वाला है। ये कौन सा ब्रांड का है ये मायने नहीं रखता, आप किसी भी ब्रांड का यूज कर सकते हो। अगर आपके पास सरसों का तेल नहीं है, बहुत लोग नहीं यूज करते हैं, नहीं है, तो आप गाय का देसी घी यूज कर सकते हो या फिर नारियल तेल भी यूज कर सकते हो, पर सरसों का तेल है तो सबसे ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बगल में लगे घंटी बजा दो और आज का वीडियो तो बहुत ही काम का है, इसलिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सेहत के बारे में बात करेंगे, अपने हेल्थ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सर्दियों का सीजन स्टार्ट हो गया है। इस वक्त अगर ख्याल नहीं रखोगे तो बहुत ही लंबा फंसने वाले हो। तो अपने आप को बचाना है बीमारियों से, तो ये नुस्खा ज़रूर ट्राई करो। आपको लेना है थोड़ा सा सरसों का तेल। इस मैंने कटोरी में लगभग आधी चम्मच सरसों का तेल निकाल लिया है, आपको इतनी दूर से दिख नहीं रहा होगा, बट आपको क्या करना है, थोड़ा सा सरसों का तेल लेना है एंड आपको ये हाथ में लेना है और अपने पैरों के तलवे की मालिश करनी है। ठीक है, बस इस तरह आपको मालिश करनी है। ये मालिश जो है बहुत ही फायदेमंद होती है। अगर आपको ठंड लग गई है, क्योंकि सर्दियों के सीजन में जब स्टार्ट होता है ना, तो हम लोग गर्म कपड़े नहीं पहनते और सुबह सुबह निकल जाते हैं बाहर, तो ठंड लग जाती है। अगर आपको ठंड लग गई है, सर्दी खांसी जुकाम हो गया है, तो आपको सरसों का तेल हल्का सा गुनगुना कर लेना है और उसके बाद ये मालिश करनी है। ये मालिश जो आप करेंगे, जिससे क्या होगा कि जो सर्दी है वो ये सरसों का तेल खींच लेगा और आपके शरीर में एक गर्माहट पैदा होगी, जिससे आपको बहुत हद तक राहत मिलेगी। तो सरसों के तेल से आप इस तरह मालिश करिए। ठीक है, ये आप भी कर सकते हो, बच्चों के लिए भी बहुत अधिक फायदेमंद है और सभी के लिए, परिवार के हर एक सदस्य के लिए ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। तो सरसों के तेल की ज़रूर मालिश करिए। अगर आप बहुत थके रहते हो, बिल्कुल थकान रहती है, तनाव रहती है और चिंता रहती है, आप बहुत सारी चिंताओं में डूबे हुए हो, लगता है कि दुनिया के सबसे दुखी आदमी आप हो, तो सोने से पहले आप सरसों के तेल की मालिश करिए। इसलिए ज़रूरी नहीं कि आप गुनगुने से करिए, आप ऐसे भी सरसों का तेल ले सकते हैं और इससे अपने तलवे की हल्की हल्की मालिश करिए। अगर मालिश करने वाला कोई और है तो और अच्छी बात, नहीं तो आप अपने आप ही कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपकी थकान दूर होगी, चिंताएं जो हैं वो दूर होगी और शरीर में जो तनाव बना रहता है शरीर में, वो तनाव भी दूर होगा, दिमाग शांत रहेगा, आपका जो भी आप काम करते हो उसमें आपका मन भी लगेगा। अगर आपको रात में नींद नहीं आती, आप पूरी पूरी रात जगते रहते हो, तो सरसों के तेल की तलवे की मालिश करिए, जिससे आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी। बच्चों के लिए ये नुस्खा बहुत ज़्यादा कारगर है। अगर आपके बच्चे बहुत थके रहते हैं, स्कूल जाना पड़ता है, इतनी पढ़ाई करनी पड़ती है, ऊपर से खेल कूद का इतना प्रेशर होता है, इतने थके रहते हैं, तो आप अपने बच्चों के पैरों की मालिश करिए। इससे उनको नींद भी अच्छी आएगी, उनका दिमाग भी शांत रहेगा, जिससे पढ़ाई में भी मन लगेगा और थकान तो उनकी दूर ही होगी। और आप अपने बच्चों के साथ थोड़ा टाइम भी बिताओगे। तो बच्चों के पैर की मालिश, ये आप एक नियम बना लें कि रात में सोने से पहले बच्चों को लिटाना है, उससे पहले आपके पैरों के तलवे की मालिश करनी है। एक नियम बना लें, इसका बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे संस्कार भी अच्छे आएंगे बच्चों में। महिलाओं की भी कई परेशानियां हल होती है अगर आप पैरों के तलवे की मालिश सरसों के तेल से करते हैं, जिससे पीरियड्स में होने वाला दर्द ऐठन कम हो जाता है, क्योंकि ये हमारे ब्लड फ्लो को बेहतर बनाता है। ये उपाय शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है। अगर आपके पैरों में सनसनाहट रहती है, वो झुनझुनी टाइप की जो कहते हैं ना, झुनझुनी चढ़ गई है, सनसनाहट है, पैर में दर्द है, ऐठन है, फटनी पड़ी रहती है पैरों में, तो आप इसको ये उपाय यूज करो। इससे पूरे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन बेहतर बनता है। अभी तक मैंने आपको सरसों का तेल पैर के तलवे में लगाने या मालिश करने के हेल्थ बेनिफिट्स, अब मैं आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट बताने वाली हूँ। दोस्तों, अगर आपके घर में लड़ाई रहती है, बाद में मतलब बहस हो जाती है, आपके जो पति हैं, आपके जो बच्चे हैं और फैमिली मेम्बर आपसे सीधे बात नहीं करते हैं, आपस में बात नहीं करते, अपने मन की बात आपके सामने नहीं रखते, चिंता में डूबे रहते हैं, थके रहते हैं, तनाव में रहते हैं, बात पे गुस्सा करते हैं, बाहर का गुस्सा, मतलब आप बाहर स्कूल का गुस्सा हो या फिर दुकान का गुस्सा, बिजनेस का गुस्सा आपके ऊपर निकल जाता है, जिससे घर का माहौल खराब होता रहता है। तो भैया कैसे ये सही होगा? ये सही होगा आप अगर उनके पास बैठेंगे। बैठने का एक बहाना चाहिए, तो आप ले लो सरसों का तेल, ठीक है? आपको यही तेल ले लेना है और थोड़े से उनके तलवे की मालिश करनी है। हो सकता है पहले ना नुकुर करें, उनको ये नहीं बेनिफिट्स पता है, बस आप उनके पैरों की मालिश करो। इससे क्या पॉजिटिव रिजल्ट होंगे? इससे ये होगा कि सरसों का तेल जो होता है, अगर आप पैरों के तलवे पे लगाते हो तो तनाव दूर होता है, थकान दूर होती है, दिमाग शांत होता है, चिंताएं दूर होती है, और जो सर्दी खांसी जुकाम अगर उनको थोड़ी सी शरीर में प्रॉब्लम है, वो भी दूर होगी। इससे क्या होगा? दिमाग शांत रहेगा, चिंता नहीं रहेगी, अच्छी नींद आएगी, धीरे धीरे वो खुश रहना शुरू हो जाएंगे, चिंताएं कम, खुश रहना शुरू हो जाएंगे। और अगर आप उनके पास बैठ के उनके पैरों की मालिश करोगे तो बातों बातों में वो अपने मन की बात भी आपके सामने रखेंगे, जिससे उनका मन भी हल्का होगा। और साथ में बैठ के बातें करने से अगर कोई परेशानी है तो उसका कोई ना कोई हल भी निकल जाता है। तो एक बहाना ये भी है। दूसरा, अगर आप अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते, पूरा दिन आप भी घर के बाहर रहते हो, वो भी घर के बाहर रहते हैं, ध्यान नहीं दे पाते, बच्चा क्या बाहर गलत हो रहा है, उसके साथ स्कूल में क्या हो रहा है, उसके फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, बहुत थका रहता है, बीमार रहता है और सीधे मुँह बात नहीं करता, आप मालिश करो। बच्चों के पास आपको बैठने का बहाना मिलेगा, बच्चे आपसे खुलना शुरू हो जाएंगे, अपने मन की बात कहना शुरू हो जाएंगे, आज स्कूल में क्या क्या हुआ, पूरे दिन में क्या क्या हुआ, उनके साथ लाइफ में क्या हो रहा है, वो भी चर्चा आपसे करना शुरू कर देंगे। और उनको मालिश करने से उनका दिमाग शांत रहेगा, उनको नींद अच्छी आएगी, तो उनका मन पढ़ाई में लगेगा। तो आप देख सकते हैं ना, थोड़ी सी बात, थोड़ी सी पहल करने से, थोड़ा सा काम करने से, हाँ ये काम है, ये एक सेवा है, करना तो आपको पड़ेगा। अगर आप थोड़ी सी सेवा करते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं, तो एक तो हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं, दूसरा आपका जो परिवार है, आपका जो घर है, वो भी खुश रहता है, आपका परिवार बंधा रहेगा, आपस में जो लड़ाई झगड़े हैं वो भी कम हो जाएंगे। ये जो बात मैंने बाद में कही है, घर में लड़ाई झगड़ा कम करने की, ये कोई टोटका या नुस्खा नहीं, ये मेरा पर्सनल अनुभव है जो मैंने आज आप लोग के साथ शेयर किया। भाई, सर्दियों का सीज़न स्टार्ट हो गया है, कुछ और नहीं करना है आपको, मोटी मोटी बड़ी बड़ी दवाइयाँ, कैप्सूल नहीं खानी, बस सरसों का तेल इस्तेमाल करना है। आप देखेंगे इसके बहुत अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो दोस्तों, आई होप ये जो आज का वीडियो है आप लोग के लिए यूजफुल होगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, एंड पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बगल में लगे घंटी बजा दो। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।